हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय होम किचन। तो आज हम तैयार करेंगे सूजी के टेस्टी और हेल्दी दही बड़े। तो होली आने वाली है तो आप ये टेस्टी और हेल्दी दही बड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ के जी लिया है सूजी और इसमें मैंने एक बड़ी कटोरी दही डाल के इसे इस तरह से फेट कर लिया है दही के साथ। इस तरह से देखिए इसे फेट लिया है मैंने। अब इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा पानी। तो इसमें एक कटोरी दही और थोड़ा सा पानी और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लिया है और ये सब डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे दही पानी और बेकिंग पाउडर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से फेटेंगे इसे। ये देखिए ऐसे। अब एक कढ़ाई में रखेंगे तेल गरम होने के लिए। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे तेल को और इसमें अब हम बड़े डालेंगे। इस तरह से मैं हाथों की मदद से बड़े डाल रही हूँ इसमें। आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए बड़े डालेंगे और ये डालने के साथ साइज में फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। इस तरह से एक बार कढ़ाई में जितने बड़े आ जाएं उतने हम तल लेंगे। और यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि बड़े अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं। तो इसे पलट पलट के हम दोनों साइड से पका लेंगे। स्टार्टिंग में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जब हम बड़े डाल लेंगे उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और बड़े को अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसे पलट पलट के अच्छी तरह से पकाएंगे। इस तरह से देखें एक साइड से जब ये अच्छी तरह से पक जाए तभी पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से पलट दिया है मैंने इसे। एक साइड से ये लगभग पक चुका है। दोनों साइड से इसे पका लेंगे। अब लास्ट में गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसे इस तरह से गोल्डन कर लेंगे। अब इसे इस तरह से कलछे की मदद से तेल निकालेंगे हम और कढ़ाई से बाहर कर देंगे। इस तरह से देखिए ये बड़े हो जाते हैं रेडी। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म है। अब दूसरी बार बड़े डाल देंगे इसी में। ये देखिए डालने के साथ ही ये साइज में डबल हो जाता है। तो ये बड़े आप जितनी मर्जी हो खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये नुकसान भी नहीं करते। ये देखिए तो इस तरह से हम सारे बड़ों को तल लेंगे। दूसरी बार भी कढ़ाई में बड़े डाल दिए हैं। ये फूल के देखिए साइड में डबल हो गए हैं। इसे भी इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। इसे ना ज़्यादा तेज रखेंगे गरम ना ज़्यादा ठंडा होने देंगे।
जब ये हल्का गर्म ही रहेगा तो हम इसमें डालेंगे पानी। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है यहाँ पे, और इसे पानी में डीप करेंगे। पानी में हम यहाँ पे इसलिए डीप कर रहे हैं ताकि इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। दही के बड़े, अगर बड़े जो हैं अगर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो ये ऑयल नहीं निकालेंगे, इसलिए हल्का गर्म ही रहे तभी हम इसमें पानी डाल देंगे। लेकिन बड़े को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखेंगे, इसे बस पानी में डीप करके हाथों से इस तरह से दबा दबा के हल्के हल्के हाथों से इसका पानी निकाल देंगे और बड़े को साइड में रख लेंगे। आप इसे एक कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख लीजिए, और जब इसे खाना हो तो दही फेटिए और इसे इमली की चटनी डाल के सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसके भल्ले चाट भी बना के खा सकते हैं। अब ये भल्ले रेडी हो चुके हैं, इसे दही के साथ मिक्स करके चटनी डालिए और खाइए। ये देखिए इस तरह से भल्ले रेडी हो गए हैं, तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी दही बड़े बनते हैं, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।